गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं अमित। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में ब्रैक्ट हमने बता दिया था, इसके बाद कैलिक्स। कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर। उसमें कैलिक्स इज बेसिकली आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर एंड इट इज ए ग्रीन। बेसिकली दिस इज ग्रीन। ग्रीन इंडिविजुअल यूनिट इज द सीपल। इंडिविजुअल यूनिट द सीपल। सीपल इज द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ दिस कैलिक्स एंड इट इज आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर। One of the flower. When the sepal is fused, sepal fuse. अगर sepal fuse होता है, then it is known as gamosepalous. अगर sepal fuse होता है, then it is known as gamosepalous. और sepal अगर free होता है. Then it is known as polysepalous. जैसे कि यहां पे देख लीजिए, इस तरह से है। ये सीपल फ्यूज है, ये फ्री है, दिस इज फ्री, ये फ्री है, और ये जो है फ्यूज है, फ्यूज फॉर्म में है सीपल एंड दिस इज फ्री एंड दिस इज फ्लोरल डायग्राम। अगर सीपल देखा जाए, दिस सीपल्स का फ्लोरल डायग्राम है एंड फ्लोरल फॉर्मूला में दिस इज डिनोटेड बाय द के। के से डिनोट किया जाएगा, ये के से डिनोट किया जाएगा फ्लोरल फॉर्मूला में। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ सीपल्स अटैच विद द फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम, कितने टाइम तक रहता है, कितने टाइम तक सीपल्स फ्लावर से अटैच रहता है, उसके आधार पे तीन तरह के सीपल्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ time for which sepals remains attached with flower on the basis of time for which sepals remains attached with flower is a three types। कितने होते हैं, कौन कौन से? पहला कैडकुअस, दूसरा डेसीडुअस एंड तीसरा परसिस्टेंट। तीन तरह के होते हैं, कैडकुअस, डेसीडुअस एंड परसिस्टेंट। कैडकुअस कैडकुअस मतलब सीपल्स फॉल ऑफ। बेसिकली कैडकुअस क्या होता है, सीपल्स फॉल ऑफ एज बड स्टार्ट टू ओपन। ऐसे जो है बड जो है ओपन होता है, फ्लावर के फॉर्म में आता है, देन तुरंत उसी समय सीपल्स जो है टूट के गिर जाते हैं, निकल जाते हैं। दिस इज नोन एज कैडकुअस। सीपल्स फॉल ऑफ एज सून एज बड स्टार्ट्स टू ओपन। जैसे बड्स जो है फ्लावर में कन्वर्ट होता है, तैसे ही सीपल्स जो है टूट के गिर जाते हैं, देन इट इज नोन एज कैडकुअस। एग्जाम्पल इसका है कैक्टस। कैक्टस एग्जाम्पल है। दूसरा डेसीडुअस, बहुत बाद में जब गिरते हैं, पूरा फ्लावर बन जाता है और फ्लावर पूरी तरह से विदर्ड रहता है, देन उसके बाद गिरते हैं, फॉल ऑफ लेटर, फॉल ऑफ लेटर।
मस्टर्ड इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इज द मस्टर्ड। और परसिस्टेंस का वो कभी नहीं करते, हमेशा पड़े रहते हैं। परसिस्टेंस का दे आर द रिमेन अटैच टू द फ्रूट, बेसिकली रिमेन अटैच टू द फ्रूट। तीन तरह के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फॉर विच सीपल्स रिमेन्स अटैच विद फ्लावर। दे आर द थ्री टाइप्स, कैडिकुअस, डेसिडुअस एंड परसिस्टेंट। परसिस्टेंस में क्या है, तीसरा हमने बताया परसिस्टेंस रिमेन अटैच टू द फ्लावर, फ्लावर से हमेशा लगे रहे। जैसे कि एग्जाम्पल इसका बहुत एग्जाम्पल है, ब्रिंजल, फर्स्ट एग्जाम्पल इज ब्रिंजल, दिस इज परसिस्टेंट कैलिक्स। परसिस्टेंट कैलिक्स का एग्जाम्पल ब्रिंजल है, ओकरा, भिंडी एंड टोमैटो, दीज आर द परसिस्टेंट कैलिक्स। उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स, व्हाट आर द डिफरेंट मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स, क्या होता है। डिफरेंट मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स, मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स क्या मॉडिफिकेशन है। उसमें पहला आता है, फर्स्ट वन इज द, फर्स्ट इज द पैपस। पैपस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स। जैसे मान लीजिए ये ओवरी है, ओवरी से जो है ऊपर की तरफ ढेर सारे हेयरी लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, दीज आर द कैलिक्स। क्या है कैलिक्स, हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ द फ्रूट, बेसिकली हेल्प इन dispersal, dispersal of fruit, fruit के dispersal के लिए जो calyx होता है ये काफी help करता है fruit के dispersal में। and this is a inferior ovary का example है, ovary नीचे है, this is ovary, ovary नीचे है, inferior ovary का example है। and the papus is basically modification of calyx। example क्या है इसका, what are examples, इसमें आता है सनफ्लावर में एग्जाम्पल होता है, दूसरा है लीफी, व्हेन द सीपल मॉडिफाइड इनटू द लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफी, लीफी सीपल मॉडिफाइड, सीपल मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, सीपल्स मॉडिफाइड इनटू द लीफ एंड दीज आर द स्ट्रक्चर फ्लावर लुक्स लाइक, दिस इज द फ्लावर लीफ। ये क्या हो गया लीफ, तो सीपर जो है लीफ की तरह मॉडिफाई हो गया, देन इट इज नोन लीफी स्ट्रक्चर, लीफी मॉडिफिकेशन। एग्जाम्पल क्या है इसका, मुजेंडर, मुजेंडा, एम यू डबल एस ए ई एन डी ए, मुजेंडा में लीफी सीपल्स पाए जाते हैं। सीपल्स गेट्स मॉडिफाइड इनटू द लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसके बाद तीसरा है, थर्ड वन इज स्पाइनस, स्पाइनस एग्जाम्पल है इसका, स्पाइनस सीपल्स का एग्जाम्पल है ट्रैपा बिस
स्पिनोजा, ट्रैपाबी स्पिनोजा एग्जाम्पल है इसका, स्पाइनस कैलिक्स, इस तरह से ट्रैपा होगा, इस तरह कैलिक्स लाइक स्पाइनल, दिस नोन इज स्पाइनस, स्पाइनस कैलिक्स, स्पाइनस कैलिक्स, ट्रैपा बिस्पिनोसा, दीज आर द डिफरेंट मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स। मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स में पहला जो है कैलिक्स मॉडिफाइड्स इनटू द हेयरी स्ट्रक्चर, दिस इज द हेयरी स्ट्रक्चर विच इज नोन एज पैपस विच हेल्प इन dispersal of the fruits. Dusra hai leafy, when the sepal modified into leaf like structure, example ka hai Musanda. Third is the spinous, when the sepal modified into the spines like structure, this is the spines, these are the spines like structure in a trapa singhara. To singhara mein is tarah ka structure pata milta hai singhara, तो इसमें ट्रैपा बिस्पिनोसा है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज द सेकंड वर्ड इज ए कैरोला, कैरोला is a second word of flower, second word of flower. Individual unit क्या होता है इसमें, petal होता है, petal basically colored होता है. These are the colored structure and attract the colored structure का क्या होता है, basically attract the pollinating agency, brightly colored होता है, attract the pollinating agency. लेकिन calyx मैंने क्या बताया था, calyx में क्या होता है, कैलिक्स मोस्ट ऑफ द कैलिक्स आर द ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं, और कैलिक्स का फंक्शन क्या होता है, दे प्रोटेक्ट, दे आर प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन व्हेन द फ्लावर इन बड कंडीशन. कैलिक्स क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जब फ्लावर इन बड कंडीशन होता है, तो कैलिक्स क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. And now the fused petal, क्या बोलेंगे, fused petal is known as gamopetalous, और free petal जो होगा उसको क्या बोलेंगे, free होगा उसको polypetalous बोलेंगे, ठीक है. फ्यूज्ड होगा इस तरह से मान लीजिए फ्यूज्ड है, इधर फ्यूज्ड, तो ये फ्यूज्ड हो गया, इधर फ्यूज्ड, ये फ्यूज्ड का स्ट्रक्चर हो गया, तो फ्यूज हो गया, ये क्या होगा, गैमोपेटलस. लेकिन जब फ्री होगा इस तरह से फ्री होगा, इधर द फ्री स्ट्रक्चर, इधर पीटल्स, इंडिविजुअल पीटल्स, ये फ्री हो गया, देन इट इज नोन एज पॉलीपिटेलस. दिस इज आल्सो डिनोटेड बाय द सी, सी से डिनोट किया जाएगा इसको फ्लोरल फार्मूला में. और जब ये फ्यूज्ड होगा आपस में जुड़े हो रहेंगे, इस तरह से कनेक्टेड होंगे, इसको फ्यूज्ड बोलेंगे, एंड देन इट इज नोन एज गैमोपिटेलस. और जब फ्री होंगे देन इट इज नोन एज पॉलीपिटेलस. फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम और फार्मूला में इस तरह शो किया जाएगा.
उसके बाद डिफरेंट मॉडिफिकेशन, व्हाट आर द डिफरेंट मॉडिफिकेशन ऑफ कैरोला? मॉडिफिकेशंस ऑफ कैरोला, मॉडिफिकेशन पहला है, फर्स्ट वन इज अ क्रूसीफॉर्म टाइप ऑफ कोरोला में बेसिकली जो पीटल्स होते हैं, पीटल्स आर द फोर फोर पीटल्स, द पीटल्स आर फोर एंड द पीटल्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ द क्रॉस, ग्रीक क्रॉस के फॉर्म में अरेंज होते हैं। और जो इंडिविजुअल पीटल्स होता है, द इंडिविजुअल पीटल्स इज लाइक दो पार्ट होता है इसमें, इस तरह से दो पार्ट, दिस इज नैरोअर पार्ट एंड दिस इज द ब्रॉडर पार्ट, नैरोअर पार्ट एंड दिस इज ब्रॉडर पार्ट, नैरोअर पार्ट और ब्रॉडर पार्ट के बीच में एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, नैरोअर पार्ट एंड ब्रॉडर पार्ट। तो ये एक सिंगल पीटल का स्ट्रक्चर इस तरह से है, दिस इज अ सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल पीटल, तो नैरोअर पार्ट होगा एंड ब्रॉडर पार्ट होगा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। जनरली फोर पिटल्स होते हैं, क्रूसीफॉर्म में फोर पिटल्स होते हैं। किस फैमिली में होता है? क्रूसीफेरी में। द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ कोरोला कोरोला इज अ क्रूसीफेरी में होता है। बेसिकली स्ट्रक्चर देखा जाए किस तरह से, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, चार पेटल्स हैं। ग्रीक क्रॉस में, मतलब ग्रीक क्रॉस में बताया किस तरह से होता है, बेसिकली अगर इसको देखा जाए फ्लोरल डायग्राम में देखा जाए, तो फ्लोरल डायग्राम में कैसा दिखता है ये, फ्लोरल डायग्राम में इस तरह से क्रॉस की तरह दिखता है। दीज आर द पीटल्स, चार पीटल्स हैं, दोनों जो है एक दूसरे के क्रॉस के फॉर्म में दिखते हैं, देन इट इज नोन एज ग्रीक क्रॉस के फॉर्म बोलते हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट मॉडिफिकेशन क्रूसी फॉर्म। दूसरा है ब्रेसी, इसी को बोलते हैं क्रूसी फॉर्म या ब्रेसी केसी बोलते हैं, ब्रेसी केसी, बेसी केसी। सेकंड है पैप्लियोनेसियस, सेकंड सेकंड मॉडिफिकेशन ऑफ कोरोला इज द पैप्लियोनेसियस, पैप्लियो नेसियस, पेप्लियोनेसियस फॉर्म, पेप्लियोनेसियस फॉर्म। इसमें जो कोरोला होता है, द कोरोला इज अ बटरफ्लाई शेप्ड, बटरफ्लाई शेप्ड होता है। एग्जाम्पल इसका क्या है? मटर, पी, पी इज एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ कोरोला, पैप्लियोनेसियस। नंबर ऑफ पीटल्स इसमें कितने होते हैं? नंबर ऑफ पीटल्स, नंबर ऑफ फाइव पीटल्स। सबसे बड़ा जो होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, दिस इज द स्टैंडर्ड, दिस इज द स्टैंडर्ड, सबसे बड़ा होता है स्टैंडर्ड बोलते हैं। उसके बाद अंदर वाला जो होता है विंग, इनर साइड वाला विंग,
विंग्स दो होते हैं और कील, ये द कील, कील आपस में फ्यूज्ड होंगे, ये द कील्स आर फ्यूज्ड। स्टैंडर्ड विंग्स एंड कील टोटल पांच होते हैं पीटर्स, एक ही हो गया स्टैंडर्ड हो गया, दो किनारे किनारे विंग्स हो गया और दो ये कील हो गया, कील फ्यूज्ड होगा, फ्यूज्ड फॉर्म में होगा, फ्यूज्ड। दिस बटरफ्लाई शेप्ड कोरोला इज सो द स्पेशल टाइप ऑफ एस्टिवेशन, जब एस्टिवेशन में पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी बताऊंगा। दिस इज नोन एज वैक्सिलरी एस्टिवेशन, दिस इज वैक्सिलरी एस्टिवेशन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, एस्टिवेशन अब मैं बताऊंगा तो वहां बताऊंगा। अरेंजमेंट ऑफ सीपल एंड पीटल्स known as estivation, vexillary estivation, इसी का दूसरा नाम है imbricate, descending imbricate, descending imbricate estivation, this is also known as descending imbricate estivation. Papilionaceous type of modification of corolla. इसके बाद थर्ड है रोजेसियस, तीसरा जो है रोजेसियस, रोजेसियस इसमें स्पून सेप्ड पीटल होता है, पीटल्स फाइव होते हैं इसमें, पीटल्स आर फाइव नंबर में होंगे, स्पून सेप्ड पीटल और पीटल्स फाइव नंबर में होंगे, each petals का structure इस तरह से होगा and it's like in flower में इस तरह से रहेंगे, rosaceous है। चूंकि नाम से ही जा रहा है rosaceous, इसका example rose होगा। चौथा है ट्यूबुलर कोरोला, फोर्थ वन इज ट्यूबुलर कोरोला का, ट्यूबुलर कोरोला डिस्क फ्लोरेट्स, एग्जांपल्स क्या है इसके, डिस्क फ्लोरेट्स एंड रे फ्लोरेट्स, दो तरह के फ्लोरेट्स मैंने बताया था, डिस्क फ्लोरेट्स और रे फ्लोरेट्स होते हैं, किसमें कैपिटुलम और हेड इनफ्लोरेसेंस में होता है, वो सन फ्लावर में मिलता है, कैपिटुलम और हेड जिसे इनफ्लोरेसेंस कहते हैं वो सन फ्लावर में, दो तरह के फ्लोरेट्स होते हैं डिस्क फ्लोरेट्स और रे फ्लोरेट्स, उसमें जो डिस्क फ्लोरेट्स होता है डिस्क फ्लोरेट्स उसमें जो है ट्यूबुलर कोरोला होता है, ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क फ्लोरेट्स ऑफ द सन फ्लावर। कोरोला इज लाइक ए ट्यूबुलर कोरोला, दिस इज ट्यूबुलर कोरोला। उसके बाद इन्फंडिबुलाई फॉर्म पांचवा, इन्फंडिबुलाई फॉर्म का एग्जांपल है धतूरा, दिस इज अ फनल शेप्ड कोरोला होता है इसमें, एग्जाम्पल है क्या, धतूरा,
फनल शेप्ड कोरोला होता है, फनल शेप्ड कोरोला। नेक्स्ट इज अ बाइलेबिएट, सिक्स वन इज अ बाइलेबिएट। बाइलेबिएट टू लिप लाइक स्ट्रक्चर होगा इसमें, द टू लिप लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। एग्जाम्पल इसका साल्विया एंड ऑसिमम फैमिली लेबिएटी, लेबिएटी फैमिली में ये अपर लिप है, दिस अपर लिप और ये लोअर लिप है। इसमें इस तरह के फ्लावर में एक लीवर मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन होता है। लीवर मैकेनिज्म क्या होता है? लीवर मैकेनिज्म, लीवर मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन इन दिस टाइप ऑफ फ्लावर किसमें है? साल्विया एंड ऑसिमम लेविएटी फैमिली। अपर लिप एंड लोअर लिप दो तरह का इसमें, दो अपर लिप एंड लोअर लिप, दिस बाइलेबिएट, इसीलिए इसका बाइलेबिएट बोलते हैं। इस तरह के कोरोला को बाइलेबिएट बोलते हैं। सातवां आता है, सेवन इज द लिंगुलेट, लिगुलेट, लिगुलेट टाइप का होता है, लिगुलेट टाइप। एंड दिस द एग्जांपल ऑफ लिगुलेट इज द बेसिकली एग्जांपल इज द रे फ्लोरेट्स, रे फ्लोरेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। किस टाइप का होता है? रे फ्लोरेट्स ऑफ द सनफ्लावर, सनफ्लावर में बताया था ना, भी बताया था। सनफ्लावर में कौन सा इन्फ्लोरेशन होता है? हेड या कैपिटुलम, किस तरह का होता है? हेड और कैपिटुलम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेशंस, नीट में पूछा गया है, नीट में पूछा गया है। सनफ्लावर में किस तरह का इन्फ्लोरेशन होता है? हेड और कैपिटुलम, उसमें दो तरह के फ्लोरेट्स होते हैं, रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट्स। जो रे फ्लोरेट्स होता है ये पूछ सकता है फिर से किस टाइप का किस टाइप का उसमें कोरोला का मॉडिफिकेशन होता है। दिस मॉडिफिकेशन इज नोन एज लिगुलेट टाइप ऑफ लिगुलेट। लिगुलेट मतलब इट्स लाइक ए टंग लाइक स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए ये कैलिक्स है तो इसमें जो है इस तरह से स्ट्रैप लाइक, दिस इज अ स्ट्रैप लाइक, स्ट्रैप लाइक कोरोला, स्ट्रैप लाइक कोरोला किसमें होता है? लिगुलेट में होता है। लिगुलेट जो कोरोला है इसी ही होता है, जो स्ट्रैप लाइक कोरोला होता है किसमें होता है? रे फ्लोरेट्स, जो रे फ्लोरेट्स होता है, जो ये कैपिटुलम हेड या कैपिटुलम का जो इन्फ्लोरेशन होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है उसका, उसमें इस तरह से ये दी जाता है रे फ्लोरेट्स और बीच में क्या होते हैं? डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं, है ना। तो ये है रे फ्लोरेट्स, रे फ्लोरेट्स। तो रे फ्लोरेट्स में जो कोरोला होता है वो इस तरह से दिखता है, स्ट्रैप लाइक, ये बीच बीच में स्ट्रैप होता है। सीपल, तो ये हो गया दो तरह का, बाइलेबिएट हो गया, लिंगुलेट। इसके बाद जो आता है कैरियोफिलेसियस, लास्ट वन इज एट कैरियोफिलेसियस, है ना।
last one is the eighth कैरियोफिलेसियस। इसमें उसी तरह से होता है, पीटल्स जो होते हैं, पीटल्स जो इंडिविजुअल जो पीटल्स होते हैं वो दो दो होता है उसमें, एक ब्रॉडर इंड और एक नैरोवर इंड, लेकिन फर्क इतना होता है, दे आर द सीरेटेड, इस तरह से सीरेटेड होता है, दीज आर द सीरेटेड। सीरेटेड मार्जिन्स, कैरियोफिलेसियस में सीरेटेड मार्जिन्स होता है, नंबर ऑफ पीटल्स 5 होते हैं इसमें, नंबर ऑफ पीटल्स 5 होते हैं, ईच पीटल में दो पार्ट होगा, दिस इज अ नैरोवर पार्ट, एंड ब्रॉडर पार्ट, और जो ब्रॉडर पार्ट होगा वो सीरेटेड मार्जिन होगी, तो उसका जो स्ट्रक्चर दिखेगा इस तरह से, दीज आर द स्ट्रक्चर सीरेटेड मार्जिन। सीरेटेड मार्जिन एग्जाम्पल इसका है डायंथस एग्जाम्पल है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ कोरोला। ये होता है कैलिक्स एंड कोरोला, मैंने बताया, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा वो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम होगा। थैंक यू।